तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आज हम आए हैं बॉम्बे और अपने भाई की दुकान पे, जिसका नाम है तवा कॉर्नर। जी तवा कॉर्नर, जी तवा कॉर्नर पे आए हैं हम लोग। तो यहाँ पे घूम के थोड़ा थक गए थे, तो सोचा क्यों ना थोड़ी पेट पूजा हो जाए। तो अपने भाई के यहाँ पे शॉप है, जहाँ पे सस्ते में भी है, मतलब चीजें अच्छी। आप ऊपर टूर कराएंगे दुकान का? टूर कराएंगे साथ में। तो हम आए थे जी तवा कॉर्नर, देखो, और मिल गए आज सुबह को। यहाँ पे मस्त अवेलेबल है, देखो टेबल चेयर है कि नहीं, सब सुकून से बैठ के खा सकते हो आप बाहर भी और अंदर। अंदर आवाज आएगी कि नहीं आएगी क्या मालूम। जी देखो, और ये खाला ऑनर है यहाँ के, और माशाल्लाह हमारी वीडियोस भी देखते हैं। हाँ। वो बड़ी बात है। चलो तो यहाँ बन रहा है भर्रा, चिकन है ना, चिकन का भर्रा है। देखो मस्त, चलो हम फाइनली हम लोग जा रहे हैं अंदर अभी। चलो अस्सलाम वालेकुम। चलो और जा रहे हैं अभी हम लोग ऊपर, ऊपर का सीटिंग एरिया है मस्त। क्या बजा फैसिलिटीज अच्छी है, नीचे भी है एसी का, ऊपर भी एसी का है, और बाहर खुले में भी है जैसा आपको। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं सर, वेलकम हो गया आप लोग का शफीक आसिफा ब्लॉग में। तो आज हम लोग आए हैं मुंबई में मोहम्मद अली रोड। आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पे जी कॉर्नर पे क्या मिलेगा, तवा कॉर्नर पे क्या क्या मिलता है, और कैसा कैसा मस्त फूड है। आप लोग देखो और ज़रूर विजिट करना यहाँ पे, है कि नहीं। जी हाँ, जो यहाँ पे शॉप बहुत सारी है, बट यहाँ का टेस्ट थोड़ा हम लोगों को पसंद बहुत है, अच्छा है इसीलिए। तो चलिए फाइनली हमारा ये फूड आ गया है। भाई ने सर को नाम बताए थे, भर्रा, रेशमी भर्रा। देखो ये रेशमी भर रहा। हाँ, और हमारे साथ अमन भाई भी है। अभी अमन भाई फूड रेशमी भर रहा को देखिए, पेट भर रहा है अभी अमन भाई। चलो चलो खाना चलो। हाँ पहले आपको ट्राई करना चाहिए। पहले नहीं, आप करो। हमें कभी कुछ हो वही राजा को पहले चेक, राजा के लिए चेक करता है वजीर भाई, चेक करता है फिर हम लोग खाए। मजा आया, लेकिन जो तुम हाथ से बनाते हैं ना उसकी बात अलग है। और क्या बोलूं, चिकन मसाला, चिकन मसाला रोटी से बहुत मस्त है। और ये भाई की शॉप है कि नहीं भाई। चिकन भुना ग्रेवी, चिकन भुना ग्रेवी ये मेरी फेवरेट है, और ये भाई ने हाथों से बना के नहीं खिलाए। तो साथ में रोटी भाई ये कैसी है, कुछ अच्छी लग रही है खाने के बाद मालूम पड़ेगा। और जो भी मुंबई में घूमने आते हैं वो शहरी सब यहाँ पे कर सकते हैं आराम से। और ये पांच वेदर खुला है, मेन तो चीज ये है शहरी के लिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और मुझे भर्रा बहुत अच्छा लगा, लेकिन जी तवा कॉर्नर नाम है कि नहीं। जी तवा कॉर्नर, और ये मिलेगा आपको मीनारा मस्जिद की लेन में, पांच बजे तक खुला है, चार पाँच बजे तक सुबह के। एंड यू विल फाइंड दिस गाइड, और ये भाई लोग भी करके दूंगा। अमन भाई का नाम बोलेगा तो नहीं, लोग का भी नाम लेंगे, लोग का चैनल है, लोगों का चैनल का नाम शफीक आजीबा। हाँ
दुर्गा बसा दुर्गा बसा जो तो बोलेंगे ना डिश का नाम मामा डिश का नाम कैंटीन भाई रमजान की जो स्पेशल हमारी जी की एक बकरे के अंदर गुर्दा मसाला है भेजा मसाला है और चिकन के अंदर कम से कम 900 आइटम है 900 हाँ 900 पहला तो बाबा स्पेशल भर रहा है चिकन भर रहा बाबा स्पेशल में फिर जी भर रहा है स्पेशल है फिर रेशमी भर रहा है मलाई भर रहा है तंदूरी भर रहा है टोटल आइटम है सब बहुत से भर्रे भी है और रोल है गुर्दा मसाला भेजा मसाला गुर्दा मसाला है भेजा मसाला है और यहाँ पर तवे पे चिकन चंगेजी बोल के बनाए हैं एक जी चंगेजी स्पेशल है चंगेजी मसाला एक है हमारे पास में स्पेशल चंगेजी 320 जी तवा कौन प्लेट है चार लोग खा लेंगे भर्रा कोई भी नहीं बनाएगा जैसा ये सॉस हमारे सेक्रेट है जी के हाँ ये यूए और औरंगाबाद महाराष्ट्र दोनों की मसालों में टक्कर दी हमने और ये भर्रा तैयार किया ओह माशाल्लाह तो हमारा तो अभी खाना पीना हो चुका है मत फाइनली भेजा भेजा ये सब ट्राई करके बट मैं खाती नहीं हूं इसीलिए मैंने पर आप लोग जरूर ट्राई करना बहुत ही मस्त है बहुत ही अच्छा है है कि नहीं टेस्टी है चंगेजी मसाला स्पेशल है ये देखो चंगेजी मसाला है यहां पर ये कोई भी नहीं बनाता चंगेजी सब जगह बनाते मसाला कोई नहीं बनाता चंगेजी मसाला स्पेशल है जी का और आप लोग भी आइए यहाँ पे विजिट कीजिए ये देखो मीनारा मस्जिद के सामने से गली आई है इधर पे और हाँ मस्जिद है और सामने से पहले गली मार के ये देखो सामने ही जी दवा कॉर्नर है कि नहीं तो फिर हम लोग ने अभी खा लिया अब हाँ के बाद हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने हाँ के बाद डेजर्ट का भी प्लान है तो पहले शॉपिंग करेंगे फिर आगे का प्लान हाँ अब बहुत फुल हो गया हूँ मैं भी वही तो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जी कॉर्नर पे बहुत बहुत शुक्रिया भाई बहुत बहुत शुक्रिया जरूर 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 हाँ हाँ जरूर पक्का पक्का चलो चलते अल्लाह हाफिज खाला अल्लाह हाफिज बोलो खाला तो ये भाई का क्या बोलते नाम है इसका सैंडल अरे भाई की शॉप है देखो सैंडल की ट्राई करो आसिफा भाई बोल अमन भाई तुम लोग आए थे जब उलो भाई थोड़ा सा थोड़ा सा पकड़ो मलाई के साथ बहुत मजा थैंक यू सो मच भाई शुक्रिया चलो हेलो है परदेसी कलेक्शन मीनारा मस्जिद सीधा आने का और अल हराम के बाजू से रास्ता जा रहा है सीधा सीधा यहाँ पे तो यहाँ से एंट्री करके सीधा आएंगे हम लोग परदेसी कलेक्शन जो कि अमन भाई ने ओपन किया है इसको कुछ दिन पहले तो हम आए थे उस दिन तो उस दिन हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे इसकी वजह से हमारा काम नहीं हुआ अभी चलो अभी अंदर और अब आपको दिखाएंगे यहाँ पर परदेसी कलेक्शन में क्या क्या है ना अस्सलाम वालेकुम आ चुके हैं यहाँ पे और भाभी इधर यहाँ बैठे हैं अस्सलाम वालेकुम भाभी कैसे हैं आप अरे सलाम तो करो इधर जवाब तो दे दो कैसे हैं आप खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिनों बाद दिखे हैं बस इतना बड़ा व्लॉग नहीं करने का मेरे ऊपर रोजा भाभी को रोजा लग गया लग रहा है आज है ना खुशी के मारे लाल हो रहे हो भाभी एक साल बाद मिले तुम्हें ज्यादा एक साल बाद मालूम है तुमको अगली बार रमजान में तुम्हारा रोजा खेलने आए थे याद है कि नहीं नहीं उसके बाद कहीं नहीं मिले अरे तो वो ऐसा घर पे इनके बोल रहे हैं यहाँ तो ऐसे क्या कौन से मिले बिजी थे उस दिन कितना हाँ तो चलिए गाइस अंदर आप लोगों को कलेक्शन दिखाते हैं वेलकम वेलकम टू आवर स्टोर एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग परदेसी कलेक्शन तो चलिए आप लोगों लेडीज सेक्शन यहाँ पे आपको अपना जेंट्स के भी मिलेंगे और लेडीज के भी मिलेंगे कपड़े और बहुत अच्छे कपड़े मिलेंगे तो आपको मैं एक टूर कराता हूँ क्या क्या चीजें हैं हम लोग के पास और लेडीज में यू विल गेट मोर एंड मोर एंड मोर ऑफ स्टफ इतनी सारी डिजाइन दे के आप पागल हो जाओगे और आप लोगों को दुकान पे जब भी आओगे कौन दिखेगा अमन भाई कौन दिखेगा आप हाँ यो
ये भाभी दिखेंगे और अमन भाई दिखेंगे, ठीक है? लोग आपको टेंशन मत लो। तो ये सब डिजाइन है, हाँ ये सब कुछ डिजाइन है, मैं बताऊंगा। जैसे ये कोट सेट्स हैं, ये सब न्यू कलेक्शन है, यू कैन सी। ये लेडीज वेयर है, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है लेडीज में, बट अब धीरे धीरे आ रही है, डोंट वरी, आ रहा हूँ मैं। तो ये कोट सेट्स है, कुछ बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन ले, और ये इतने कलेक्शन ले आपनों के पास कि आप देख देख के थक जाओगे। और रमजान के लिए तो स्पेशली मतलब बहुत ड्रेसेस देखे, जो न्यू मतलब टाइप के कपड़े होते हैं ना, चाहे कॉटन हो, वेलवेट में हो, और अपना नाइलॉन है, और जॉर्जेट भी है इसमें कहीं कहीं, और लेकिन मतलब हर टाइप के ड्रेसेस है। कुछ न्यू चीजें हैं जो कुछ यूनिक चीज है, बॉय और तो ये सब आपको हर जगह नहीं मिलता है देखने, कुछ यूनिक चीज है हम लोग के पास। और ये कुछ प्लेन सूट है बेसिक, फिर ये हम लोग के पास कुछ बेसिक्स में ये है, बहुत मस्त मस्त है। और आगे आओगे तो हम लोग के पास कप्तान भी है, कप्तान एकदम कुछ अलग ही टाइप कपड़ा है, अमेजिंग। फिर उसके बाद हम लोग के पास ये वहाँ थोड़ा ईद कलेक्शन टाइप है, जो लोग थोड़ा भरा हुआ पहनते हैं ईद में, तो यू कैन सी इतना अच्छा है। आपको कैसा लगा ये वाला ड्रेस? ये वाला बहुत प्यारा लगा, ये भी और ये कलर भी, ये कलर पीच है, ये पेस्टल कलर है, ये वैसा वाला लग रहा कपड़ा, लाइट पीछे वो भीगा भीगा आपको ये पहन के तो बहुत अच्छे अच्छे वैरायटीज है, आप देख सकते हो डिस्प्ले में। लेडीज में इतना कुछ है कि आप सच बोल रहे हो आप थक जाओगे देख के। स्पेशली जो मेरा फेवरेट है, जो मेरे सबसे दिल के करीब है, वो है कुर्ते का कलेक्शन, जो मैंने बहुत चूज कर करके सिलेक्ट किया हूँ आप लोगों के लिए। चलो अभी देखते हैं। तो फिर वो डिजाइन तो मैं इतने अच्छे से बताओगे कि तुम लोग क्या बोलूं। सो हियर वी हैव द फर्स्ट डिजाइन, ये ब्लैक कलर में है, ये बहुत अच्छा पीस है, अटैच बटन, इसके साथ पैंट भी आती है, और बेस्ट थिंग आप लोगों को बताऊं, स्ट्रेचेबल है कपड़ा। इसका कपड़ा कितने भी वॉश कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक और पैटर्न है, ये बटन है, तो ये जिप वाला है, दोनों में फर्क ये है, इसमें जिप है, इसमें बटन है, और ये कलर कुछ डिफरेंट कलर है। फिर आप आओगे तो यू हैव मिलिट्री, ये कैमो में आता है, ये शायद ही आपको नॉर्मली दिखेगा, ये जीन्स में भी पहन सकते हो आप। फिर ये डार्क कलर है, ये कुछ अलग कॉम्बिनेशन है ब्लैक के साथ, बहुत अच्छा लगता है, इसके नीचे ब्लैक पैंट आती है, और हम लोग का बहुत अच्छा पीस आ रहा है जो है ये, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, इसके नीचे भी ब्लैक पैंट है, लिप है, और इसमें साइज डबल एक्सेल तक है मेरे पास अवेलेबल। और मैं आपको बताता हूँ और क्या है मेरे पास, बता रहा हूँ, रुक जाओ, टना आई एम बैक। तो वापिस और डिजाइन ला गए, तो लेट मी कॉल जो चैनल के ओनर है उनको तो बुलाने दो। वेलकम आपके चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हाँ, आप बहुत अच्छा लगा आपको आपके चैनल को देख के, बहुत टाइम बाद, क्योंकि पूरा दिन मैं ही दिख रहा हूँ। हाँ, तो मैं दिखते रहता हूँ, टेंशन नहीं है। तो एक न्यू डिजाइन आउट कर रहा हूँ मैं, ये है ये वाली, और आप लोगों को तो पता ही मेरा फेवरेट कितना कुर्ता कितना फेवरेट है मुझे। तो ये जो डिजाइन है, ये एक ये डिजाइन है, इसमें भी मेरे पास कलर है। फिर सेकेंड है बर्बरी, सबसे रनिंग आइटम जो है ये बर्बरी, इसमें तीन कलर्स है और मोस्टली इसका स्टॉक भी खत्म होने पे। कलर बहुत प्यारा लग रहा है, ये एक और ये भी है। अच्छा ये जो है ये मेरा फेवरेट है, ये भी ऐसे तो सब मेरे फेवरेट है क्योंकि आई चूज दिस डिजाइन, और ये बहुत अच्छी डिजाइन है, इसमें ब्लैक पैंट आती है भाई नीचे, और सब में मेरे पास डबल एक्सेल साइज है। ये कुछ बेसिक कुर्ते है, जिसको भरा हुआ नहीं पसंद, बहुत सारे कलर्स है मेरे पास, मरून है, ब्लैक है, उसका कपड़ा तुम चेक कर सकते हो, इट इज रियली गुड। फिर एक और डिजाइनर पीस है वो है ये मस्त लग रहा है, वाइट वाला ना, इसमें एक और कलर है ब्लैक, वो मैं अभी आगे बताऊंगा, इसमें एक और कलर आता है ब्लैक, इसमें बहुत अच्छा लगता है ये वाइट, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, वाइट अच्छा लग रहा है, पर बहुत डर लग रहा है पहनने के लिए। तुम्हारे लिए ना, जो संभालते हैं उनके लिए बेस्ट। मेरा कलर छूट जाएगा, मेरा कलर छूट जाएगा। ये जो बेसिक के कलर जो मैंने आपको पहले बताया था, ये अभी आप ग्रीन, ब्लू, और फिर फाइनली सबका फेवरेट व्हाइट। इसमें ब्लैक कलर भी है, और जो मैंने बताया था ब्लैक कलर जो आ रहा है वो है ये डिजाइन, ये भी बहुत अच्छी डिजाइन है। तो ये मेरी पोस्ट में आपने देखा होगा जो मैंने पहना हुआ ये वीडियो में, तो ये वो डिजाइन है। तो आप लोग को कौन सा अच्छा लगा बताना मेरे लिए, मेरे कमेंट में बताना, फिर मैं देखूंगा। हाँ, ये तीन कलर है इसमें, इन पे कौन सा अच्छा लगेगा वो बताओ, ये इसमें पहने।
जानू को कुछ डिफरेंट लेंगे अपन, तो ये सब भी बहुत अच्छे हैं। इसमें जो ब्लैक था वो ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। हाँ, ये व्हाइट ब्लैक मस्त लग रहा है। लेकिन फेवरेट है ये वाला, इसका कलर ही कुछ नेवी टाइप। एक और कलर है ग्रीन। तो इतने सारे डिजाइन, बहुत सारे डिजाइन है मेरे पास। मुझे तो ये अच्छा लगा, ये वाला ना, ये बहुत ही अच्छा है। तो ये अच्छा है मेरे पास, पर तुम्हारे पे वो कलर इतना खास नहीं लगेगा कलर। तो आप बताओ इनको क्या पहनना चाहिए इसमें। और हाँ, आप लोग आई गए, आप लोग इनका भी रेफरेंस दो, इंशाल्लाह बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा आपको। एंड वी आर अप, वी आर ऑन टिल 3 बजे तक खुली है रात में शॉप हम लोग की। और वी आर डिलीवरिंग पैन इंडिया, तो जितना भी कुरियर होगा सब पैन इंडिया होगा। ये है जस्ट होटल फातिमा पैलेस के सामने, अलारम होटल की लेन में। तो आप जरूर आए इंशाल्लाह, विजिट कीजिए, ईद में शॉपिंग यहाँ से करें, शायद ही आपको इतनी डिजाइन कहीं मिलेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच आशीर्वाद दोनों को आने के लिए। मोस्ट वेलकम भाई, ऑलवेज। तो खैर, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। और हम लोग आए भी थे भाई के, भाई ने बुलाए थे जब शॉप ओपनिंग के टाइम पे, पर उस टाइमिंग पे हम लोग थोड़ा बिजी थे, नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, अभी आए तो इसलिए सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी थोड़ा शेयर कर लें। क्योंकि स्पेशली जो बम्बई वाले हैं जो यहाँ वहाँ ढूंढते हैं कि हम मतलब ड्रेसेस वगैरह कहाँ से लें, जेंट्स के लिए कहीं अलग साइड जाना पड़ता है और लेडीज के लिए कहीं और जाना पड़ता है। दोनों एक ही जगह पे, एक ही साइड में मिल जाएगा। और बेस्ट चीज ये है कि यहाँ पे आपको हील्स वगैरह, जो सैंडल्स वगैरह है, ये भी मिल जाएगी कलेक्शन। हम लोग ने सैंडल्स का ले सकते हैं, अच्छी चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको हर चीज अवेलेबल मिलेगी, स्पेशली जो साइज होता है डबल एक्सल, बहुत ही कम जगह पर मिलता है। अच्छा, लेडीज में मेरे पास 5XL तक साइज है, यू कैन इमेजिन 5XL की औरत भी हो जाएगा फिर। तो ये इतनी वैरायटीज है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के पास, और आप लोग का साथ रहा तो और इंशाल्लाह और चीजें लाएंगे। तो वैसे मजाक में ये है कि बहुत सारी मतलब फीमेल्स ऐसी होती है बेचारी जिनको बहुत इश्यूज होती हैं अपने साइज के कपड़े ढूंढने के लिए। तो आप लोग एक बार यहाँ विजिट करके जरूर देखना, शायद आपको मिल जाए। एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा इनके चैनल के नाम से। तो ईद में आप देखना ये लोग को पहनते हुए, हम लोग का ब्रांड इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह शॉपिंग करोगे वो मेरे। हाँ पक्का, चलिए, थैंक यू सो मच, वेलकम। अभी आगे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? भांजी, अभी तो मेरी भांजी के यहाँ जा रही हूँ, सोच रही हूँ थोड़ा तुम्हारे चाइनीज के यहाँ से ना पॉपकॉर्न खाने का। तो हम लोग अभी लेके जाते हैं इनको फायर एंड पोर्ट पे। फायर एंड पोर्ट जो मेरा किचन है, रेस्टोरेंट है, वहाँ इनको एक कुछ चिकन पॉपकॉर्न पसंद है। लास्ट टाइम भी आई थी तो खाई थी, बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो इसलिए मैं इस बार आई तो भाई को मैंने वही फरमाइश करी कि भाई मुझे पॉपकॉर्न खाना है, चिकन पॉपकॉर्न। तो चिकन पॉपकॉर्न खाए बिना जाना नहीं क्योंकि हम लोग की स्पेशल आइटम है। चलो मिलते हैं फायर एंड पोर्ट पे, फिर ये डेजर्ट खाने जाएंगे, मेरे को छोड़ के पता नहीं कहाँ, बट जाने दो। चलो देखते हैं। तो सी यू गाइस, थैंक यू सो मच, एंड डू लाइक, डू सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना मत भूलना। जरूर। परदेसी से अभी हम लोग निकल चुके हैं और जा रहे हैं, बस थोड़ी ही दूर पे, 2 कदम दूरी पर है भाई का फायर पॉट। तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर चाइनीज फूड मिल जाता है फायर एंड पॉट पे। तो यहाँ आई हूँ मैं भाई का, कौन सा वाला भाई, वो पॉपकॉर्न, चिकन पॉपकॉर्न खाने। चलो खाते हैं फाइनली चिकन पॉपकॉर्न। कौन भाई? तो जब आप शॉपिंग से कंप्लीट हो जाओ तो सामने रेस्टोरेंट है फायर एंड पॉट। अब आपको खा कर मैंने बताया ना, थोड़ी दूरी पर सामने है, जब आपका पेट भर जाए शॉपिंग के तो यहाँ आ जाना खाना खाना। हाँ, चिकन चीज वाला खाया मैंने, सब टाइप खाया, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पे सब मिलता है, देखो टेस्टी लगता है, ऑसम है, गरम गरम मजा आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं और ये होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। तो जब आपका शॉपिंग तो हो जाएगा, सेम एड्रेस सेम बात शॉप के सामने ही है, उसका फायर एंड पॉट नाम है। जरूर जरूर, पक्का जरूर आइएगा। हाँ जुड़ी ना। हाँ, अब जिम में एडमिशन करवा दिया, मैं बड़ा गाइड करने का है। हाँ, मैडम बोलती है तुम गाइड करोगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी खाना। हाँ, अब मेरे लिए खाना बनेगा तो मेरे लिए बनेगा, नहीं बनेगा नहीं, ऐसा तो नहीं बोला मैंने। मैंने बोला साथ बैठ के खाओ। तुम सो जाते हो।
भाई दस किलो बोलेंगे तो पब्लिक भी नहीं सुन पाएगी। गेम है ना, यही मैटर है, मैडम अफीम मिलाती है खाने में और ये आदमी सो जाता है उनका अफीम के लिए, यही मैटर है। जिम जाने का मेरा प्लान है भाई, और खुद थोड़ा भाई बोले मेरा पेट भरे ला है, यही है ना, दो पेट बिना अफीम वाले खाती हूं सब चीज, चिकन ये चीज भी यही बिना अफीम के उनकी आंखें देखो। अभी बताओ तो खुलासा कौन कहता है कि आदमी गॉसिप नहीं करते, चुगली नहीं करते, करते हैं। जब मिलेंगे उनकी पंचायत बनती है, यहाँ मैं आपको दिखा सकती हूँ सरे आम बैठ के देखो, कालू टेंशन में आ गए। क्या मैं दाल चावल हम लोग खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो तुम गाँव में जाते हैं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। देखो गाँव में जाते हैं खाते हम लोग, माँ बेटे बत्ती जली लोग का यूनियन है, बहुत बड़ा यूनियन होता है, उनकी मीटिंग होती है। भाई ऑनियन सुनी थी मैंने, यूनियन नहीं होता, ऑनियन सुनी मैंने, यूनियन नहीं होता। ओ ये तुम्हारा खुद अपने ये करने का फल है, वो भाई मजे ले रहे ठीक है। ओ माय गॉड, अभी ऑड्स में बोलेंगे टमाटर कांदा गरम मसाला हरा मसाला और इनको मैगी मसाला डाल के तो फिर अच्छा दाल चावल खाओ, वही बात हो गई। 12 तो बजे में ही है। तो आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। अरे चलेगा भाई, अपने तो आते रहते हैं इंशाल्लाह, तो अगेन थैंक यू और आते रहेगा जरूर इंशाल्लाह, जरूर जरूर, अल्लाह आपको और कामयाब करे। मैं तो बोलती हूँ लाइन की सारी दुकान खोल लेना और एक आध मेरे काम कर देना। तो नहीं नहीं ऐसा दिन जरूर, ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, अभी पूरी बिल्डिंग खड़ी की हो क्या, मजाक कर रहे हो हाँ खाली शॉप को बोल के। चलो खैर कोई नहीं, अल्लाह ऐसी कामयाब होते रहो। और बाकी का सब टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा आके, बहुत मज़ा आया। और बाकी का मैंने आप लोगों को लेकिन सच बता दिया, दिखा दिया। अब अगर कोई भी आदमी बोले कि औरतें गॉसिप करती हैं, सिर्फ औरतें पंचायत करती हैं, ऐसा नहीं है। आप पर्सनली मेरा वीडियो को रिकमेंड कीजिए, उनको बोलिए देखिए आदमी भी गॉसिप करते हैं, जी हाँ दिखाते हैं, देखिए अभी भी चालू है दोनों की। तो अब वो भाभियों वाला जमाना गया, अभी ये देवर भाइयों वाला जमाना चालू है। हर चीज पी ले दो, इन लोगों के भी राजगद्दी गिरानी पड़ेगी। अभी हम लोग भी इतना तैयार होकर निकलेंगे, फोटो वोटो डालेंगे, बस हो गया, तुम लोगों का टाइम खत्म। इस बार इतने हम भी 7 महीने बनाएंगे, तैयार होकर निकलेंगे। अब बनाने का टाइम गया, और करो कि वो हर सेवाई का, हर किसी के घर में माइक्रो ओवन नहीं होता हो। चलो भाई चलते, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। आ चुके हैं फाइनली, हम लोग जा रहे थे भाभी, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हम लोग। चलो रो रही थी थोड़ा ऊपर जाके, अभी हम लोग जा रहे थे यहाँ बैठ के बात कर रहे थे, तो भाभी देखो कहता शर्मा रहे। चलो जा रहे, अरे भाभी क्या शर्मा रहे तुम, ये अलग है कुछ नहीं। चलो भाभी अल्लाह भी, इतना क्या शर्मा रहे थे, लग रहा है भाभी एक बार लेके तो आए ना अभी अमन, मैंने भाभी मेरा ब्लॉग देखना, इसमें कुछ खास भी मैंने मर्दों के बारे में बहुत भारी वाले अलग लेवल। यहाँ चुगली हो रही थी भाभी तुम्हारे, मालूम तुम नहीं थे, चुगली हो रही थी, ये दोनों चुगली कर रहे थे मालूम, बोलते रहे आदमी को लेके नहीं कर रहे, यही यही यहाँ पे, यही यही इधर पे। हाफिज भाई निकल पड़े हैं अभी, अफशा के यहाँ के लिए, क्या बोलते जानू। तो खैर हमने आप लोगों को यहाँ पे दिखाई अपना तवा, जी तवा होटल, और साथ ही साथ में अपना भाई का परदेसी शॉप,
क्या बोलते जानू उसको, ड्रेस कलेक्शन की। और साथ ही साथ में हमने चाइनीज का भी आप लोगों को दिखाया। अगर आप लोग यहाँ आते हो और अगर कहीं और का आपको खाना बहुत कॉस्टली लगता है या कपड़ा, तो एक बार यहाँ सब जगह पे आप विजिट करके देखिएगा, आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छा लगेगा और शायद आप लोगों को आपकी पसंद की चीज़ें मिल जाए, चाहे खाने में हो चाहे पहनने में हो। तो खैर अपना लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। तो खैर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए अपना घंटा बना मिला। और हाँ, कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं? और अभी तो यहाँ पे भीड़ शुरू हुई है, अभी तो बहुत लोग आएंगे यहाँ पे, क्योंकि बम्बई की मार्केट ऐसी होती है कि लोग चाहकर भी बम्बई की मार्केट से दूर नहीं रह सकते, है कि नहीं जानो क्या बोलते हैं। तो खैर चलो फिर, अल्लाह हाफिज़ है, मिलना हमको वापस है, चिंगम खाओ चबाके, YouTube चलाओ दबाके, सपोर्टिंग, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय।